आपका क्वेश्चन है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ इफ एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री देन फाइंड एंगल ए ओ बी। तो देखो इसको आपको ड्रॉ करना है। तो सपोज दिस इज योर सर्कल, ठीक है। नाउ दिस इज द सेंटर दैट इज योर ओ। अब इसने क्या बोला है फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो सपोज पी इज हियर, यहां से आपको दो टेंजेंट बनाने हैं। तो फर्स्ट टेंजेंट इज दिस एंड सेकेंड टेंजेंट इज दिस। तो ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो वी नो दैट बोथ टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये आपका क्या है पी ए इज इक्वल टू पी बी टेंजेंट्स, और ये आपका गिवन भी है ना, दिया हुआ है इसने पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये नेक्स्ट इफ एंगल पी ए बी, पी ए बी इज 50 डिग्री दैट मीन्स आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है ऐसे। तो ये वाला एंगल दिस एंगल इज योर पी ए बी दैट इज योर 50 डिग्री। अब आपको निकालना है ए ओ बी, ए ओ बी दैट मीन्स आपको इसको जॉइन भी करना है रेडियस ऐसे, ठीक है। तो दिस इज द सेंटर ओ। अब देखो आपको करना क्या है इसके अंदर, ये आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। उसका मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो दैट मीन्स दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री। तो आपका क्या हो गया ओ ए पी इज 90 डिग्री। तो वी कैन से एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ये भी आपका 90 है ना, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो आपको ये वाला एंगल निकालना है अभी, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 50। तो वी कैन से बी ए ओ एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 90 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये आपका 40 डिग्री हो गया। और देखो ये वाला ट्रायंगल दैट इज योर ओ ए बी, ये रेडियस है ये भी रेडियस है, that means it's an isosceles triangle. So now we can write triangle AOB is isosceles. तो क्या हो जाएगा ये वाला एंगल इज ऑल्सो सेम 40 डिग्री, ठीक है। नाउ अब देखो इसने क्या दिया है पी ए बी इज 50, नेक्स्ट क्या दिया निकालने के लिए ए ओ बी, ए ओ बी निकालना ये वाला। तो यहां पर 40 हो गया, यहां पर भी 40 हो गया, तो 80 हो गया। तो ट्रायंगल का पूरा सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 माइनस 80 इज 100 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री। इसी को आपको इसमें लिखना है। तो वी कैन से एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एओबी कितना हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो इस तरह से आपको इसको निकालना है।